नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। सरकार ने किया आगाह, मई जून में होगी रिकॉर्ड बिजली की मांग। कोल इंडिया ने संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में अपील, कहा मुद्दे को समग्र व्याख्या के लिए संविधान पीठ के पास। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी और एहतियाती खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर सकती है सरकार। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार तो पीएम मोदी ने किया सतर्क। दिल्ली में 1367 नए मामले, केरल और गोवा ने उठाए अहम कदम। कैबिनेट के फैसले के तहत 6 महीने में 60,000 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी देगी सरकार। पीएम स्वनिधि योजना 2024 तक बढ़ी। यूपी में नए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर रोक। सीएम योगी ने कहा आस्था का पूरा सम्मान पर भांडा प्रदर्शन स्वीकार नहीं। अखिलेश यादव पर चाचा शिवपाल का पलटवार, कहा भाजपा में भेजना है तो मुझे सपा से निकाल दो। यूपी सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति लंदन घूम रही आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह सस्पेंड। यूपी में जल शक्ति मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन, आदेश नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बांदा में रिटायर्ड डीआईजी की भाजपा जिला पंचायत सदस्य बहू का शव फंदे से लटका मिला, शराब कारोबारी पति लापता। पाक पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा की बड़ी मुश्किलें, 1400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिया आदेश। संयुक्त राष्ट्र में भाजपा ने यूक्रेन में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने की अपने आह्वान को दोहराया, कहा समस्या का हल खून बहाना नहीं हो सकता। रूस ने जापानी दूतावास के 8 कर्मचारियों को किया निष्कासित, कहा पारस्परिकता के सिद्धांत पर की गई कार्रवाई। आत्मघाती हमले के दोषियों के लिए चीन ने की सजा की मांग, बलोच महिला ने 4 लोगों को उतारा था मौत घाट। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो जरदारी, अटकलों पर लगा विराम। राशिद और तेवतिया ने दिलाई गुजरात को रोमांचक जीत, आखिरी ओवर में जुड़े 4 छक्के। बेन स्टोक होंगे इंग्लैंड के नए कप्तान तो गैरी कर्स्टन संभालेंगे कोच की जिम्मेदारी। हार के बाद बैंगलोर के स्टार हर्षल पटेल ने दिखाया एटीट्यूड, नहीं मिलाया युवा खिलाड़ी रियान से हाथ। बैंगलोर को हराकर राजस्थान पहुंची टॉप पर, धवन ऑरेंज कैप की रेस में हुए शामिल। पूर्व साथी आरपी सिंह ने कहा विराट कोहली को ब्रेक दे दो वरना टीम से बाहर करना पड़ सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर अजय देवगन को छोड़ किच्चा सुदीप के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा, कहा नॉर्थ के एक्टर साउथ एक्टर से चलते हैं। बॉलीवुड के सुल्तान को रॉकी भाई ने चटाई धूल, टॉप थ्री में शामिल हुई KGF 2। शाहरुख खान को मिली गुजरात हाई कोर्ट से राहत, रईस के प्रमोशन के दौरान हादसे में हुई थी 1 शख्स की मौत। हीरोपंती 2 के रिलीज से पहले दरगाह पहुंचे टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया, मांगी दुआ चढ़ाए फूल।
रामचरण को देखने सड़क पर उमड़ा फैंस का हुजूम, जमकर हुई धक्का मुक्की। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।